मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। साइक्लोन मंदोस बंगाल की खाड़ी में बन चुका है और अब ये तमिलनाडु के तट की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये इस सीजन का यानी पोस्ट मानसून सीजन का दूसरा समुद्री तूफान है। पहला समुद्री तूफान सेतरांग था जो बंगाल की खाड़ी में बन करके बांग्लादेश की तरफ गया था। ये दूसरा समुद्री तूफान है। हालांकि नवंबर में यूजुअली तूफान बनने की संभावना रहती है, लेकिन इस बार दो या तीन लो प्रेशर एरिया बने, उसमें से डिप्रेशन भी बन गए, लेकिन वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को उन्होंने प्रभावित भी किया, लेकिन कोई तूफान नहीं बन पाया। अब ये दिसंबर के महीने में ये तूफान है। हालांकि दिसंबर के महीने में तूफान अक्सर बना करते हैं और दिसंबर में जो तूफान बनते हैं वो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को प्रभावित करते हैं और यूजुअली बाकी समय में यानी कि उससे पहले जो अक्टूबर में बनते हैं या नवंबर में बनते हैं तो उनका क्या रूट होता है कि यूजुअली जब वो बनते हैं तो उसके बाद वो पहले तो उत्तर पश्चिम दिशा में, इस तरह से अगर यहाँ पर कोई तूफान बनता है, समझ लीजिए यहाँ पर बना, और वो क्या करता है कि पहले तो इस जगह पर यहां से बन करके वो आगे की तरफ जाता है और इस तरह से रिकर्व करता है। यूजुअली कभी कभी वो ओडिशा की तरफ जाता है, पश्चिम बंगाल, कभी कभी बांग्लादेश, इस तरह से चला जाता है और कभी कभी ज्यादा रिकर्व करके वो म्यांमार की तरफ भी चला जाता है। और ये इनके जो रूट होते हैं वो ज्यादातर इस तरह से होते हैं। ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल हो, ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है और कभी कभी बांग्लादेश है और म्यांमार है, इस तरह से ये रिकर्व करते हैं। लेकिन ये जो तूफान है वो इस समय ये करेंट पोजीशन है, आप जो हवाएं देख रहे हैं घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है, काफी तेजी से हवाएं घूम रही है। ये स्काईमेट की वेबसाइट है जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्काईमेट की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो लाइटिंग और रडार डिटेक्टर जहां पर है वहां पर तो उसको अगर क्लिक करेंगे तो ये मैप आ जाएगा। इससे ये जो लाइटिंग वगैरह है, किस जगह पर लाइटिंग हो रही है, ये भी दिखाई दे जाएगा। और ये जो आइकन है इसमें रडार है, लाइटिंग है और ये क्लाउड पिक्चर है। अगर मैं क्लाउड पिक्चर के ऊपर इसमें अगर मैं क्लिक करता हूं तो आपको दिखेगा कि हाँ ये क्लाउड मतलब जो बादल है वो कितने ज्यादा बने हुए हैं। अगर इसमें देखेंगे हम तो ये देखिए बादलों का वो आ गया, पूरा पिक्चर आ गया। तो जो रेड कलर है इसका मतलब कन्वेक्शन बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही होगी और काफी ज्यादा हवाएं चल रही होंगी। तो ये सारे जो टूल्स हैं वो हमारी स्काईमेट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे और भी जो टूल्स होते हैं वो भी आपको दिखेंगे। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से इलाबोरेट करना चाहें, एक तो आपने ये देख लिया कि इस तरह से इस जगह पर ये आई ऑफ साइक्लोन है, जहां पर आई ऑफ साइक्लोन होती है वहां पर हवाओं की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं वहां हवा कम होती जाती है। और अगर इसी पिक्चर को हम सेटेलाइट के रूप में देखें, जो माफ कीजिएगा, ये सेटेलाइट के रूप में आप देखेंगे तो आउटर पेरिफेरल में आप देखिए यहां पर तो ये कन्वेक्शन है, यहां पर ये साइक्लोन है, लेकिन इसका जो दायरा है वो कई सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हवाएं घूम रही हैं। तो ये उड़ीसा से लेकर के जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और पूरा साउथ इंडिया है, यहां पर जो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऊंचे और मध्यम दर्जे के बादल हैं, यानी कि ये 10,000 फीट से ज्यादा होकर यानी शुरू होकर के 20-25,000 फीट की ऊंचाई तक है। तो ये जो बादल हैं वो बारिश नहीं देते हैं, लेकिन इनके प्रभाव से क्या होगा कि यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएगा लेकिन बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। अब ये जब साइक्लोन आगे की तरफ चलेगा तो ये तमिलनाडु के तट की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये हमें उम्मीद है कि 8 तारीख की शाम तक ये काफी नजदीक पहुंच जाएगा, जो कोस्ट के पास पहुंच जाएगा और उसके पास थोड़ा सा धीरे हो जाएगा, अभी स्पीड इसकी थोड़ी ज्यादा है और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आज रात से ही शुरू हो जाएंगी और 8 तारीख को, यानी आज 7 तारीख है, 8 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा इलाकों में देखने को मिलेंगी। अगर हम साउथ जो कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है, तिरुपति, नेल्लोर, कवाली, इन सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, इन सारे इलाकों में, और जो आपका कुडलोर है इस इलाके, यहाँ पर भी काफी अच्छी बारिश होगी। तिरुवल्लूर, वेल्लोर और तिरुवनवलाई, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हो सकती हैं। रायलसीमा और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में मध्यम बारिश होगी और जो इंटीरियर तमिलनाडु है वहां पर भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने की संभावना है 8 और 9 तारीख को, और हम कह सकते हैं कि लेट नाइट ऑफ 7 दिसंबर से ही ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। और ये जो वेदर सिस्टम है वो इस तरह से आगे बढ़ेगा और इसका जो लैंडफॉल दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ये चेन्नई के साउथ में, यानी कि पुडुचेरी के थोड़ा साउथ में ही जाएगा और ये 9 तारीख की लेट नाइट में यहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है। लैंडफॉल करने से पहले हो सकता है कि ये अपनी कुछ इंटेंसिटी को लूज कर दे, यानी कुछ हद तक कमजोर पड़ जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर ये थोड़ा कमजोर भी पड़ता है तब भी हवाओं की रफ्तार 50 से 60 कभी कहीं कहीं 70 से 80 किलोमीटर की भी हो सकती है, जिससे कि खतरा बना रहेगा। और जब तेज हवाएं चलती हैं
और बारिश भी तेज होती है, समुद्र में ऊंची लहरें उठती है तो जो लो लाइंग एरिया है वहां पर पानी भर जाता है, और जब तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो पेड़ के जो डाले हैं वो उखड़ जाती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, और जो एस्बेस्टस की सीट होती हैं या कच्चे मकान होते हैं उनको डैमेज हो जाता है, और जो लूज आर्टिकल हैं वो प्रोजेक्टाइल की तरह इधर उधर चलते हैं यानी कि उड़ते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है, तो घरों के शीशे वगैरह टूट सकते हैं, कम्युनिकेशन लाइन जो इलेक्ट्रिक पोल है वो उखड़ सकते हैं, तो ये सारी घटनाएं होने की संभावना है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप 8 तारीख से लेकर के 9 तारीख की रात या 10 तारीख की दोपहर तक घर से बाहर न निकलें, मतलब जो कोस्टल एरियाज में वो ज्यादा प्रिकॉशन रखें और समुद्र के पास ना जाएं, और जब ये अलर्ट हो आपको देखे कि हाँ ये अलर्ट हट गया है और हवाएं कम जोर पड़ गई हैं और बारिश रुक गई है, तब आप जाकर के जो भी काम है वो कर सकते हैं, तब तक के लिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये सारा इंपैक्ट ये पूरे इलाके को देने वाला है, और ये जब लैंडफॉल करेगा उसके बाद ये कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो फीड जब तक इसको मिलती रहती है तब तक ही रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कमजोर पड़ना लग जाता है। ये सीवियर साइक्लोन क्यों नहीं बना? कई दोस्त ये पूछ रहे हैं कि ये सीवियर या वेरी सीवियर साइक्लोन क्यों नहीं बना। उसका कारण ये है कि आपने देखा होगा कि लो प्रेशर एरिया साउथ अंडमान सीमा बना था, उसके बाद वेलमार्ग लो प्रेशर पे रहा, डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन साइक्लोन बन गया, और ये काफी तेजी से आगे बढ़ा। इसको कम से कम 5 या 7 दिन तक अगर ये समुद्र में रहता इसको एनर्जी मिलती रहती और ये सीवियर बन जाता, वेरी सीवियर भी बन सकता था, लेकिन गनीमत है, अच्छी बात है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिवाइव कर देगा, और जो पानी की कमी इस समय दिखाई दे रही है साउथ आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक के दक्षिणी भागों में, तमिलनाडु में, केरल में, वो काफी हद तक इसकी भरपाई कर देगा कि 2-3-4 दिनों में जो बारिश होगी काफी अच्छी होने वाली है। इसके बाद ये वेदर सिस्टम हो सकता है कि ये धीरे धीरे इस तरफ से ये साउथ ईस्ट अरेबियन सीमा के एज अ लो प्रेशर एरिया के रूप में देखने को मिल जाए। तो ये तो बात हुई साइक्लोन की। अब हम क्योंकि ये नेशनल वीडियो है जिसमें और बातें भी कर लेते हैं, यानी कि बाकी जगह पर क्या मौसम रहने वाला है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ है जो अब आने वाला है, और ये पहाड़ों पर बारिश देगा और स्नोफॉल देगा। ये 8 से 10 या 11 दिसंबर के बीच में पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा, लेकिन उत्तर भारत में कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के साथ साथ बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में हमें उम्मीद है कि 9-10-11 तारीख को महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट अरेबियन सी में जाएगा तो यहाँ से इसके ट्रफ बनेगी और महाराष्ट्र के कई भागों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। वैसे तो 13-14 तारीख के आसपास मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, उस समय कन्फ्लुएंस जोन बनेगी, यानी कि जो हवाएं हैं वो क्या होगा कि यानी कि दो तरह की हवाएं होती हैं, जब एक तो ये इधर से आएगी, ये जो शुष्क हवाएं आएंगी, और यहां से ऐसे घूम करके ये नमी वाली हवाएं आएंगी, तो ये जो नमी वाली हवाएं हैं और ये शुष्क हवाएं ये मध्य प्रदेश के ऊपर मिलेंगी। 13-14-15 तारीख को यहाँ बारिश हो सकती है, लेकिन उसको मैं अगले वीडियो में अपडेट करूंगा, क्योंकि जब तक पूरी तरह से पुख्ता जानकारी ना हो तो बताना सही नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है कि हाँ उस समय बारिश हो सकती है। अभी मैं आपको कल वाले वीडियो में जरूर उसके बारे में अपडेट करूंगा, क्योंकि इस समय साइक्लोन के बारे में हम ज्यादा बात कर रहे हैं। पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत का मौसम शुष्क बना रहेगा, सुबह और शाम ठंडी रहेगी, दिन अभी भी गर्म रहेंगे, और जब तक विंटर रेन नहीं होगी, फॉग नहीं आएगा, कोहरा नहीं आएगा, तब तक दिन के तापमान नहीं गिरेंगे और उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी नहीं होगी। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।